जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 31 हमारा डेली ब्लॉग चैलेंज का, आज से हमारा नया चैलेंज स्टार्ट हो गया है 365 डेज चैलेंज का, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने अपने आप के लिए ले लिया है। आज मैंने ना वर्कआउट नहीं किया, बस थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ छत पर। और देखिए आज वर्कआउट नहीं कर रहे तो मौसम कितना मस्त हो रहा है, कोई धूप नहीं कोई कुछ नहीं। देखो पीछे अभी सूरज भी नहीं आया है, ये हमारा ईस्ट है ना, इस तरफ को पूर्व दिशा है, अभी सूरज आया भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वॉक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चलते हैं नीचे। आज मैंने वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा था तो आज वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो अभी आ गया नीचे और कर रहे हैं फर्स्ट मील की प्रिपरेशन। दलिया बना रहे हैं और थोड़ा सा पानी गर्म कर रहे हैं पानी पीने के लिए। ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ और अब करते हैं ब्रेकफास्ट, अपना दलिया पीनट बटर। और आज मैंने प्रोटीन शेक बना दिया है बनाना के साथ, तो वो भी कंज्यूम करते हैं। चलिए तो चलते हैं ऑफिस के लिए। आज मौसम कितना मस्त हो रहा है, देखो मज़ा आ रहा है। तो टी शर्ट पहन के जाने में मस्त आएगी, मजा आएंगे, इसलिए मैंने हाफ टी शर्ट पहन ली है, फुल नहीं पहनी। चलिए तो दोस्तों निकल चुके हैं घर से, आज की राइड की स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आज मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, बाइक राइड के लिए तो मस्त है। छुट्टी होती तो हम चलते घूमने कहीं, कल जाएंगे वैसे थोड़ा सा घूमने के लिए, तो अगर कल ऐसा ही मौसम होगा तो मज़े आ जाएंगे। तो आज ना फाइनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक सुकून सा मिलता है जब आप कुछ कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मज़े आ गए। फाइनली हमने अपना पहला जो चैलेंज था हमारा कंप्लीट कर लिया है, 30 डेज चैलेंज। और चलिए आगे बात करते हैं, पहले इन गलियों से बाहर निकलते हैं, मेन रोड पर पहुँचते फिर बात करेंगे। तो आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, आई होप GoPro चल जाए ऑफिस तक, चल जाना चाहिए क्योंकि भाई आज तो हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, अगर हीट की वजह से ही ये बंद हो रहा है बार बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कंप्लीट कर लिया अपना 30 डेज चैलेंज, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अचीव कर लिया जैसे। और साथ ही हमारे चैनल पे ग्रोथ भी हो रही है, अब ये ग्रोथ मेरी तरफ से है, अभी आपकी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से जब होगी तब तो और भी ज़्यादा मज़े आएंगे, और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम करने में, और भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा सा एक क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि 10% 20% हमने स्टेप ले लिया है, ग्रोथ हो चुकी है, जो कि है हमने डेली ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। पहले हम बनाते थे वीकली, कभी कभी वो वीक में भी एक नहीं बना पाता था मैं। तो ये जो अपने चैनल पर ग्रोथ हुई है ना, ये तो लाजवाब है यार, मज़े आ गए। मैंने सोचा नहीं था जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था जॉब के साथ मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा डेली, वो भी डेली, चलो वीकली तो कर ही सकते हैं, वीकली तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन डेली कर पाना इज़ अ वेरी बिग टास्क, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि हाँ हम इसको 365 को भी कर लेंगे कवर। तो आज से जो हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 365 डेज चैलेंज, यस ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया है और इसको पूरा करके दिखाएंगे आप लोगों की मदद के साथ। देखिए इस चीज़ में तो आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होगा, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा कुछ। आप हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारी वीडियोस में व्यूज़ आएंगे, तब मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, एक होता ना भूख सी जागती अंदर से, तो वो मिलेगा हमें। आप लोगों की तरफ से जो पूछ आता है, क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ भाई ये है वो है हमें ये बताओ, क्वेश्चंस भी आने लगे हैं अब, जो कि बहुत अच्छी बात है, पहले क्वेश्चंस कम आते थे अब क्वेश्चंस आने लगे हैं। अभी GoPro की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो मज़े आ रहे हैं, मतलब अब हमारा एक्चुअली स्टार्ट हुआ है चैनल। ये पहली बार देखा मैंने पुलिस वालों ने DTC वालों को पकड़ा, सरकारी वालों को। चलो भाई फाइनली अब लग रहा है ये काम कर रहे हैं कुछ, नहीं तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग, सरकारी वालों को तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। वैसे आप लोगों ने देखा हो तो बता देना भाई। और
और आप लोगों के साथ ना एक चीज़ और शेयर करना चाहता था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली बात थी कि जो लाइफ चैलेंजेस होते हैं और हम अपने आप को चैलेंजेस देते हैं। तो जैसे मैंने अपने लिए चैलेंज लिया 30 डेज़ का, अब 365 डेज़ का। तो इसमें होता क्या है, आपकी बॉडी जो है ना वो मतलब एक ढीलेपन की आदत पड़ जाती है। जैसे मैंने ये चैलेंजेस नहीं लिए थे उससे पहले, मेरी बॉडी आदत पड़ी हुई थी कि हाँ भाई लेट उठना है, लेट काम करना है, ज़्यादा देर तक सोना है। तो अभी जैसे मैंने 30 डेज़ चैलेंज लिया, उससे पहले मैंने 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज लिया था, तो लगभग 60-70 दिन हो गया मुझे जल्दी उठते हुए और नींद हमारी बहुत कम है। अब हमें पता बॉडी को आदत पड़ गई है उस कम नींद की। और आज तो वैसे मैंने वर्कआउट नहीं किया है, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह किया है, लेकिन ना मैं जल्दी उठ गया था। पता है ऐसे नहीं कि मैं लेट उठाऊँ या कुछ, टाइम से उठ गया था, बस वर्कआउट करने का मन नहीं था तो नहीं करा। कल करेंगे संडे को, कोई दिक्कत नहीं है। जो संडे वाली छुट्टी थी वो हमने आज ले ली, उसमें क्या दिक्कत है, कल कर लेंगे वर्कआउट। अभी जैसे कि मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि मैं फ़िटनेस चैलेंज लिया है, लेकिन उस फिटनेस चैलेंज को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने वर्कआउट बिल्कुल छोड़ दिया है, वर्कआउट हम कर रहे हैं और उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली अपने लिए एक टारगेट सेट किया था कि डबल बॉडी पार्ट कर रहे थे हम लोग, उसमें हो गया था मेरी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जा रही थी तो टाइम ज़्यादा लग रहा था और मैं ऑफिस के लिए लेट हो जा रहा था, फिर डाइट वगैरह सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आ रही थी बीच में। तो अभी मैंने उसको कम कर दिया, अभी सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली ऐसी कर रहे हैं कि बॉडी को बस एक्सरसाइज की आदत पड़ी रहे, जब दोबारा से मैं कोई चैलेंज लूँ तो ऐसा ना लगे कि हाँ भाई एक्सरसाइज करने में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, लग ही रहा था बारिश जैसे मौसम। बस अभी थोड़ा देर और रुक जाओ, ऑफिस पहुंच जाए फिर बेशक स्टार्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। GoPro का जो केस है वो वाटरप्रूफ नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाओ बस। और देखिए अपने चैलेंज की एक्साइटमेंट में मैं आपको दिखाना ही भूल गया, कल जो हमने मोबाइल होल्डर लगवा लिया अभी ये बिल्कुल ठीक है, मैंने लगा के भी देख लिया, मोबाइल सही से लग जा रहा है और बढ़िया है। अब कभी हम जब जाएंगे ना ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे मैप की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता नहीं होगा कि कहाँ पे है वो चीज़ एड्रेस, तो तब इसका असली टेस्ट होगा कितना मेरे को दिख रहा होगा। क्योंकि अभी मैंने GoPro भी लगा रखा है, GoPro के साथ ही मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे मैप कितना दिखेगा वो चीज़ देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बाइक है ना ये स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है तो इसमें उतना विजिबल हो नहीं रहा है मेरे को, तो उस चीज़ पे मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से, या तो मेरे को अपनी सीटिंग पोजीशन थोड़ा पीछे को करनी पड़ेगी ऐसे। हाँ अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर क्या पता, ऐ हवा तू बता। दीवाना मैं चला। मौसम ने अपना मिजाज थोड़ा सा बदल दिया है, अभी बारिश का लग रहा था थोड़ी देर पहले, अब हल्की हल्की धूप आ गई है तो लगता है बारिश पे अभी धूप हावी पड़ गई है। वैसे मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा है, मतलब हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ये अभी मई की तो वैसे स्टार्टिंग है, लेकिन इस समय वैसे गर्मियाँ पड़ जाती थी प्रॉपर, लेकिन अभी उस हिसाब से सही है। कूलर भी नहीं चलाया अभी हमने, कई लोग तो एसी चलाने लगे लेकिन हमने तो अभी तक कूलर भी नहीं चलाया, एक दिन चलाया था, एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, उसके बाद अभी तक नहीं चलाया। और उस दिन भी जो चलाया था विदाउट पानी चलाया था, पानी के बिना। अब यहाँ पे हो गई धूप बहुत तेज़, जल रहे हैं हाथ, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑफिस के पास ही पहुँच गया, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे यहाँ से। तो जब घर से निकला था लग ही नहीं रहा था कि इतनी तेज़ धूप होगी, हो भी सकती है, ऐसा लगा था बारिश हो जाएगी, लेकिन भाई मौसम का कुछ नहीं कह सकते, अपने हिसाब से चेंज होता है, हमारे हिसाब से थोड़ी ना होगा मौसम चेंज। चलिए जी यहाँ से लेते हैं अब यू टर्न और बस पहुँच गए ऑफिस में। ला 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 ला। यहाँ से लेफ्ट, तो चलिए दोस्तों अपन लगते हैं हमारी आज की दिहाड़ी पे और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए।